फ्रेंड्स वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाई फाई स्टडी पे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है 22 अप्रैल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस था और आज हो चुकी है 24 तारीख। तो दो दिन ऑलरेडी अपन लेट हो चुके हैं। मेरा मन तो था कि आपको 22 तारीख को इस वीडियो को प्रोवाइड करने का, लेकिन बिकॉज काफ़ी बिजी शेड्यूल था तो 22 और 23 और थोड़ी सा ठीक है थ्रॉट की भी प्रॉब्लम थी आज भी इनफैक्ट, लेकिन फिर भी आज दो दिन बाद में जो है वो आपके लिए इस वीडियो को मैंने ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया है। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं अर्थ डे के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इसकी थी हिस्ट्री के बारे में, कब से इसको शुरुआत किया गया, किसके द्वारा शुरुआत करी गई, कौन इसके फाउंडर थे, कितने देशों में इसको मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इससे रिलेटेड जो सवाल है पेपर में आते हैं यूपीएससी से लेकर हर एग्जाम के अंदर इसमें से कई सारे सवाल आपको देखने को मिलते हैं, तो वो सब भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं अर्थ डे की हिस्ट्री के बारे में। देखिए दोस्तों, अर्थ डे क्या है? एक एनुअल इवेंट है जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है, पहली बात ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर मनाया जाता है। पहली बार 1970 में जो है अर्थ डे मनाया गया था दोस्तों, 193 कंट्रीज ने इसको सपोर्ट किया और ग्लोबली जो है एक अर्थ डे नेटवर्क जो है वो बन गया पूरी दुनिया के अंदर। जब पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ 2016 के अंदर, काफ़ी बड़े बड़े देशों ने साइन किया था, बाद में यूएसए ने विड्रॉ भी कर लिया था ठीक है, तो उस टाइम के अंदर भी जो है वर्ल्ड डे को ध्यान में रखते हुए कई सारे ड्राफ्ट जो है वो तैयार करे गए ठीक है, और जो कि 195 नेशंस के द्वारा कंसाइज करके करे गए, और साथ में 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने भी क्या किया, कई सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। हुआ क्या था दोस्तों, 1969 के अंदर यूनेस्को की कॉन्फ्रेंस हुई थी सैन फ्रांसिस्को के अंदर, वहां पे एक पीस एक्टिविस्ट थे जिनका नाम था जॉन मैकोनल, उन्होंने बोला कि अर्थ को ऑनर करने को लेकर, रेस्पेक्ट करने को लेकर हमें अर्थ डे मनाना चाहिए, और 21 मार्च की जो डेट है उन्होंने बोली उस टाइम पे, जो कि हमारे उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर स्प्रिंग सीजन का फर्स्ट डे होता है, समझ गए, स्प्रिंग सीजन का फर्स्ट डे होता है। तो ये बात जो है काफी लोगों को पसंद आई और यू टेंट जो उस टाइम पे सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने इसके ऊपर साइन भी कर दिया। लेकिन उसके बाद में ठीक है, एक महीने बाद में क्या होता है, एक अलग से अर्थ डे वापस से मनाया गया, किसके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स सीनेटर के थे, एक पर्सन थे नेल्सन, जो कि एक एनवायरमेंटल वो थे, स्टूडेंट थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, तो उन्होंने बोला कि भाई 21 मार्च को नहीं मना के हम इसको 22 मार्च 1970 को मनाएंगे। तो 22 मार्च जो है वो डेट अनाउंस करी गई, क्योंकि उन्होंने एनवायरनमेंट में काफ़ी काम करे थे तो काफ़ी कुछ उन्होंने बताया था, तो इसीलिए जो है इसके 21 मार्च वाले को हटा के क्या कर दिया गया, ग्लोबली 22 अप्रैल जो है वो अनाउंस कर दिया गया। इसी को लेकर उनको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जो सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है यूएस का, वो भी दिया गया, और तब से 22 अप्रैल जो है वो अर्थ डे बन गई। यूएस ने तो बनाया, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे पूरी दुनिया जो है इसको बनाने लग गई और दुनिया के 141 नेशंस के अंदर इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करवाने लग गए। अगर किसी को लगता है कि अर्थ डे के ऊपर ही अर्थ आवर होता है, तो दोस्तों थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, अर्थ आर जो होता है ना वो 30 मार्च को होता है, समझ गए, रात को 8:30 से 9:30 के बीच, अर्थ आर अलग है, अर्थ डे अलग है, समझ गए, 22 अप्रैल और 30 मार्च में बहुत अंतर है। इसके अलावा बात करें थीम, इस साल की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है, प्रोटेक्ट आर स्पीशियस, ये इस साल की थीम है जो कि आपको ध्यान रखना है। अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आपको देने, आप अपनी अर्थ को कितना जानते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि हमारी अर्थ जो है वो कितनी पुरानी है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, हमारी अर्थ कितनी है, 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड है। कौन सा ऐसा एक्सटिंक्ट बर्ड है जो कि अभी भी मॉरिशस के अंदर पाया जाता है? अभी तक मैंने आपको अर्थ डे की हिस्ट्री के बारे में बताया, इसके फाउंडर के बारे में बताया, क्यों स्टार्ट करी गई वो बताया ठीक है, और थीम बताई इस साल की, ये सब चीजें मैंने आपको बताई। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, मॉरिशस के अंदर डोडो नाम का इस तरीके का एक पक्षी है जो कि अभी भी पाया जाता है। साइलेंट स्प्रिंग जो है वो किसकी किताब है जो कि बहुत ही फेमस एनवायरनमेंट के ऊपर है, डीडीटी के साइड इफेक्ट और काफी कुछ चीजें हैं जो कि इसके अंदर बताई गई थी। तो कार्लसन वो पर्सन है दोस्तों जिनके द्वारा साइलेंट स्प्रिंग है जो कि लिखी गई थी। फाउंडर ऑफ अर्थ डे आपको बताना है, अर्थ डे की फाउंडर की बात करें तो नेल्सन, यानी कि ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर है।
कितने देश पूरी दुनिया में अर्थ डे को सेलिब्रेट करते हैं, तो कितना हो जाएगा 175, यानी कि बी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है, व्हाट 1997 ग्लोबल एग्रीमेंट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस वाज साइंड बाय वर्चुअली एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द यूनाइटेड नेशंस। तो आपको ये बताना है कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है वो साइन नहीं किया गया, इसके अलावा हर देश ने जो है वो साइन किया 1997 के अंदर ग्लोबल एग्रीमेंट, ताकि ग्रीन हाउस एनर्जी को हम क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। ऐसा एग्रीमेंट कौन सा था, क्योटो प्रोटोकॉल था, जापान की सिटी है क्योटो, वहां पे करवाया गया था, यूएस ने साइन नहीं किया, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है दोस्तों ये है ग्रीन हाउस को ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए। एक और सिटी का नाम है नगोया जापान की, वहां किया गया था प्रोटोकॉल इक्वल शेयरिंग को लेकर। ठीक है, यानी कि अगर आप कहीं पर कोई प्लांट लगा रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो वहां के लोकल लोगों को भी फायदा पहुंचना चाहिए, इसको लेकर नगोया प्रोटोकॉल भी साइन किया गया था। यह आप देख सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, 187 देशों ने जो है अभी तक 2009 तक इसको साइन कर दिया है, और यूएस ने जो है इसको साइन नहीं किया है। व्हाट अमेरिकन रिवर कॉट फायर इन 1969 प्रमोटिंग मल्टीपल पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स। तो एक बार क्या हुआ था, एक आग लग गई थी एक, ठीक है, नदी के पास में, जहां से काफी पॉल्यूशन हो गया था यूएस में। उसके बाद में जो है लोगों का ध्यान गया और क्या हुआ, एनवायरमेंट के ऊपर बात चालू हुई, तो उसका नाम क्या है, ठीक है, सिया होगा नाम की नदी है। ठीक है, सुया होगा नाम की नदी है जहां पे आग लग गई थी, और उसके बाद में वाटर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया था। उसके बाद में यूएस के अंदर क्लीन वाटर एक्ट, ग्रेट लेक वाटर क्वालिटी एग्रीमेंट, कई सारे एग्रीमेंट जो है एनवायरमेंट को लेकर जो है स्टार्ट किए गए थे। तो यहां पे आपको युगा होगा नदी भी आपको यहां पे ध्यान रखनी है। कौन सी किताब ने मदद करी मॉडर्न एनवायरमेंटलिस्ट को डीडीटी की नॉलेज को लेने को लेकर और बैन करने को लेकर। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था डीडीटी को लेकर, कार्लसन की जो किताब है, ठीक है, स्प्रिंग, साइलेंट स्प्रिंग, इसके अंदर काफी कुछ है जो कि मेंशन कर रखा है। ओके, ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। साइलेंट स्प्रिंग है, न्यूयॉर्कर पर्सन थे, उन्होंने 1962 के अंदर पब्लिश करी थी, और रेशल कार्लसन के द्वारा इसको लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए, व्हाट यूएस फेडरल प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस इन 1982 क्लीन अप अबंडेंट टॉक्सिक एंड हजार्डियस वेस्ट साइट्स। तो यूएस के फेडरल ने प्रोग्राम चलाया था ताकि बहुत सारे टॉक्सिक और जो नुकसानदायक वेस्ट साइट है उसको हटा दे। तो ये कौन से प्रोग्राम के द्वारा स्टार्ट किया गया, सुपर फंड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के द्वारा दोस्तों यूएस ने ये जो काम है वो स्टार्ट करे थे, ताकि टॉक्सिक एलिमेंट जो है वो पूरी तरीके से एनवायरमेंट में से हटा दे। 350 जो एक मैजिक नंबर है, ये क्या बताता है, बताइए दोस्तों। 350 जिसको एक मैजिक नंबर बोलते हैं, ये क्या है दोस्तों, ये 350 ppm, 350 पार्ट्स पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर इमिशन करी जाती है। ठीक है, ये क्या है, सेफ अपर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए, तो इसलिए इसको मैजिक नंबर बताया गया है। तो दोस्तों ये सारे थे कुछ आपके महत्वपूर्ण सवाल जो कवरअप करे, जो कि आपके किसको लेकर थे, अर्थ डे को लेकर थे। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको ऐसे अच्छे वीडियोस मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय। 8 बजे वाले सेशन में फिर से मिलेंगे वाईफाई स्टडी के ऊपर। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।